हमारे पास रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? रिंग हमारे पास ये है, इसका मास हमारे पास अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मास m है, रेडियस r है। तो देखो कोई भी मास ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, हमारा एक्सिस ओरिजिन पर परपेंडिकुलर, प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो कोई भी मास देखो कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, कोई भी मास ले लो वो कहां पर है, r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो इसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी में हमारे पास दूसरा रिंग होता, इसमें मास हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्मली होता, ठीक है। तो मास जो होता ओके नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, लेकिन टोटल मास अगर मैं बोल देता कि टोटल मास फिर भी हमारे पास क्या है, एम है, टोटल मास है, एम टोटल मास है, इस रिंग का टोटल मास है हमारे पास एम, और ये रिंग का जो रेडियस है वो क्या है, आर। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, तो फिर से बेसिक थिंग सोचो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक फॉर्मूला क्या है, डी एम आर स्क्वायर, आर क्या कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को बाहर ले लो, सो आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, जितने भी मास है कहीं पर भी मास हो सारा मास को तुमको क्या करना है, ऐड करना है, जितने भी मास है सबको क्या करना है, तुमको ऐड करना है, सारे मास को ऐड कर लो, तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। क्लियर हमारे पास डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट ओके जेड एक्सिस में लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट जेड एक्सिस एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, क्लियर। हमारे पास होलो हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस r है और इसका टोटल मास m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये सॉलिड मीन्स हेमिस्फीयर में लिखा स्फीयर, और इधर हमारे पास एक क्या है, सॉलिड स्फीयर मतलब इसका मास हर जगह फैला हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास एम है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। सबसे पहले बात ये बताऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा, अगर मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, तो तुम देखो सब जितना भी मास है वो कितना दूर है ना, इस यहां पर जितने भी मास होगा, कुछ भी मास क्यों ना, वो मास कहां पर है, स्पेस में भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, उधर भी होगा, इधर भी होगा, स्पेस में हर जगह, स्पेस में है ना, स्पेस में हर जगह है, इधर भी है, पीछे भी है, आगे भी है, इसका सारा का सारा मास क्या है, ज्यादा दूर पर है, इसका कुछ मास तो यहां पर भी होगा ना, सेंटर के पास भी होगा ना, स्पेस में होगा, कुछ कम दूरी पर भी होगा। देखो डीएम आर का जो टर्म है, आर कम, आर यहां पे कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, यहां पर आर हर जगह क्या होगा, आर ही होगा, तो इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्लियर बताओ, समझ में आया सब कुछ जो मैंने बताया। अब होलो
स्फीयर है हमारे पास, अब हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, 2/3 mr² और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2/5 mr². देखो यहां पर 2/3 ये क्या है, 0.6 mr² और यहां पर 2/5 0.4 mr² तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। क्लियर?